तरह से जंगल राज पार्ट टू को रोका जाए, क्योंकि जिस जंगल राज पार्ट वन के स्टार्टिंग के लिए समता पार्टी का गठन हुआ था, माननीय नीतीश कुमार उसके कर्ता धर्ता थे, शुरुआत वही किए थे, आज पुनः इतने वर्षों मुख्यमंत्री होने के बाद उसी जंगल राज पार्ट वन के जो संस्थापक थे, जो मुखिया थे, उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। तो कम से कम यंग नौजवानों को मैं इस मंच से आह्वान कर रहा हूं कि वो आए और फिर बिहार को बचाने का काम करें जंगल राज पार्ट टू के शुरुआत से। कानून व्यवस्था अगर किसी राज्य पर ध्यान दिया जाए तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। कानून व्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर आदमी को थाने से ही होता है। अगर किसी बच्ची के साथ कुछ घटना होती है, आप थाने जाइए, आपका कंप्लेन रिसीव नहीं करेंगे थानेदार, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। अगर वो कंप्लेन रिसीव कर लेंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा और FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। FIR रजिस्टर करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा भाई यहाँ तो क्राइम हुआ, और लोग रो के रगा के घर में ही रह जाते हैं और रिकॉर्ड होता है कोई क्राइम नहीं हुआ। वो थाना बहुत अमन चैन से है, सारे थानेदार लोग की पोस्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं, वो पोस्टिंग के लिए पैसे दे के आते हैं और जो क्रिमिनल से पैसा लेके ऊपर तक पहुँचाते हैं। अभी हम पार्टी इस जगह पर विचार कर रही है कि कहाँ से जंगल राज के कैंडिडेट्स को हराने की व्यवस्था की जाए, वो सब हम करेंगे। समता पार्टी अपने आप में एक मसाल है, उसका चेहरा हर वो नौजवान है जो कि अच्छा काम करना चाहता है, जिसका मकसद राजनीति से पैसा कमाना नहीं है। राजनीति उसके लिए धर्म है और दीर्घकालीन राजनीति जो करता है वो उसका धर्म होता है। राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा के लिए आते हैं। पहले समता पार्टी उस लेवल पर तक तो प्राप्त कर ले, कोई ऑफर क्यों दे देगा आपको। जातीय जनगणना का अगर उद्देश्य सही है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। जातीय जनगणना के लिए जो उद्देश्य था, सामने रखा गया था कि जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है वो पता करना। ये कहावत था फॉरेन कंट्रीज लाइक US, लंदन आर गवर्न्ड बाय डिजर्व पर्सन, इंडिया इज गवर्न्ड बाय रिजर्व पर्सन। कैसे अगर वो जो कहते हैं कि अगर इसका इलाज उनको ही पता चल जाए, उनके जो कि ये हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसको मार्क्स कम आया था फिर भी ऑपरेशन उसके पेट का करेगा तो नहीं कराएगा। उस नेता से पूछिए ना कि तुम्हारे पेट का ऑपरेशन वो डॉक्टर क्यों जाते हैं बाहर कराने के लिए। इतना ही अच्छी व्यवस्था बिहार की है तो माननीय नीतीश कुमार क्यों जाते हैं दिल्ली एम्स, क्यों जाते हैं अपोलो, क्यों जाते हैं मेदांता। तो जातीय जनगणना का उद्देश्य कभी भी अच्छा नहीं रहा, दिखाया गया कि हमें विकास पता करना है। विकास पता करने के लिए आप उसका मीटर अप्लाई कीजिए। मैं एक सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं वकालत करता हूँ, समता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ नेशनल लेवल। ये सबसे पहले तो बिहार में एक विकल्प चाहिए, लोगों के पास विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा कि विकल्प नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं विकल्प है। अगर परिवर्तन का संकल्प लेंगे तो समता एक विकल्प के रूप में आएगी बिहार में। और सबसे पहले जो समता पार्टी का इतिहास है, ये बहुत सारे पार्टियों का इतिहास खतरे में आ जाएगा अगर समता का इतिहास वो लोग जानेंगे तो। समता पार्टी ने सबसे पहले बिहार में परिवर्तन दिया था जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, इसी पार्टी से थे, और आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी जो मुंगेर से 3 बार सांसद रहे हैं, वो इस पार्टी को जिंदा रखने में, हम लोगों के जो संरक्षक हैं इस पार्टी को उन्होंने बचा करके रखा है नीतीश जी से। नीतीश जी किस तरह से समता को तोड़ा, उन्होंने जॉर्ज साहब को धोखा दिया, ब्रह्मानंद मंडल जी को भी उन्होंने धोखा दिया, साथ साथ शकुनी चौधरी जी को भी उन्होंने धोखा दिया। और बिहार में समता पार्टी एक बार फिर से संकल्प लेकर के आ चुकी है, अपनी मसाल जलाने के लिए मसाल जला करके आ चुकी है कि बिहार में फिर से मसाल जलेगा, बिहार में परिवर्तन हम लोग फिर से लाने का काम करेंगे और जन जन तक, घर घर तक जा करके समता का और जॉर्ज साहब का जो सपना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। एक सवाल, और जातीय जनगणना पे हम लोगों ने यही गांधी मैदान पे राजभवन मार्च किया था जातिगत जनगणना के विरोध में, हजारों की संख्या में समता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध किए थे। हम लोग
देखिए जातिगत जनगणना को अगर अच्छे मकसद से अगर होगा तो सपोर्ट में, लेकिन हमको नहीं लगता है जिस तरह से कई सारी जातियों का जो है यहाँ पर उनकी संख्या कम कर दी गई है, तो ये तो बिल्कुल जो है अन्याय है और किसी एक पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इनका इसका विरोध हमने पहले भी किया था, अभी भी हम जातिगत जनगणना का, नीतीश जी की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, समता पार्टी कितने लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार? समता पार्टी अभी 20 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रही है और वहाँ से हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और जो भी रहेगा, जो समता का जो इतिहास रहा है, समता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिहार के घर घर तक काफ़ी सारे लोग हैं, हर एक लोग जानते हैं कि समता पार्टी और मशाल छाप क्या है, तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है।